मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने अफसरान को मेगा करप्शन केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए भी इकदामात तेज करने का हुक्म दिया। चेयरमैन नैब रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब लाहौर का दौरा किया, जहां डायरेक्टर जनरल ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमों के हमरा उनको मेगा करप्शन के मुकदमात में होने वाली तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में शामिल केसेस जिनमें महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान और अहलकारों के खिलाफ निजी होटल को शराब लाइसेंस के इजरा की तहकीकात, शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस, नूरुल अमीन मेंगल और साबिक DGLDA आहल खान चीमा के खिलाफ लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना तब्दीली के केस में होने वाली पेशरफ, साबिक वजीर कानून राणा सनाउल्ला के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस और दीगर के खिलाफ जारी इन्वेस्टिगेशन में होने वाली पेशरफ पर मफसिल ब्रीफिंग दी। चेयरमैन नैब ने तमाम केसेस की तहकीकात को मेरिट के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि नैब मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। नैब बदउनवान अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज तहकीकात पर यकीन रखता है। नैब अफसरान का ताल्लुक किसी पार्टी या गिरोह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। उन्होंने हिदायत की कि अवाम के करोड़ों अरबों रुपए लूटने वाली जाली हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इकदामात बरोए कार लाए जाएं।